हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, कि आपके भी फेसबुक अकाउंट में कुछ ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, यू डिस्क्रीट विद द डिसीजन वाला प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, एंड गाइस आपका जो अकाउंट है ओपन नहीं हो रहा है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यू डिस्क्रीट विद द डिसीजन, चेक बैक हियर फॉर द रिजल्ट, ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं एंड अपना जो अकाउंट है फिर से कैसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में आपको जो है करना क्या होगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको जो है अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना होगा, ठीक है। एंड मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ से आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा, ठीक है। एंड जैसे आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ से आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च बार में क्लिक कर देना होगा, ठीक है। एंड सर्च बार में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना होगा फेसबुक हेल्प सेंटर, ठीक है। यहाँ पे आपको फेसबुक हेल्प सेंटर टाइप कर देना होगा, ठीक है। एंड जैसे आप फेसबुक हेल्प सेंटर टाइप कर देंगे तो यहाँ से आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट में क्लिक कर देना होगा हेल्प सेंटर फेसबुक पर, ठीक है। एंड जैसे आप हेल्प सेंटर फेसबुक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने हेल्प सेंटर आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सामने ऊपर में थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके सामने नीचे पॉलिसीज एंड रिपोर्टिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पॉलिसीज एंड रिपोर्टिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। एंड इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे आपके सामने सेकंड में रिपोर्टिंग ए प्रॉब्लम विद फेसबुक का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली रिपोर्टिंग ए प्रॉब्लम विद फेसबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। एंड जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपके सामने दो ऑप्शन नीचे आ जाएंगे हाईलाइट करके, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम फीडबैक ऑन द हेल्प सेंटर। तो यहाँ पर आपको सिंपली रिपोर्ट ए प्रॉब्लम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। एंड जैसे आप रिपोर्ट ए प्रॉब्लम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जाना होगा, ठीक है। एंड नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद यहाँ से आपके सामने वाज दिस हेल्पफुल, यस एंड नो दो ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली नो पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। एंड नो पर क्लिक करने के बाद नीचे द सोल्यूशन डज नॉट वर्क वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा। एंड उसके बाद यहाँ से आपके सामने ऑप्शनल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपील को कॉपी करके पेस्ट कर देना होगा, जो कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे अपील को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। एंड अपील को कॉपी करके पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। एंड जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपके सामने थैंक्स का ऑप्शन आ जाएगा, थैंक्स योर फीडबैक हेल्प्स इंप्रूव दिस आंसर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको लगभग 24 से 48 घंटे वेट करना है। एंड 24 से 48 घंटे वेट करने के बाद यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम जो है फिक्स हो जाएगी एंड यहाँ पे आपका जो अकाउंट है फिर से रीओपन हो जाएगा, या फिर जो भी प्रॉब्लम आपके अकाउंट में अनदर प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड वहाँ से आप जो है, अगर आपका अकाउंट जो है लॉक हो चुका है तो वहाँ पर आप अपना, तो भाई यहाँ पर आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। बट गाइस, ये प्रोसेस करने से पहले आपको अपना अकाउंट जो है आपके क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन करके रखना है, उसके बाद ही ये प्रोसेस करना होगा, ठीक है। तो गाइस, यही था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे आपको हेल्पफुल एंड जेन्युइन कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक।